पिछले कुछ दिनों में कई कार्यकर्ता और नेता ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थामा। घरेलू पार्टियों से इस्तीफा देने के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। इसी को लेकर पत्रकारों ने जयंत पाटिल से सवाल किया। उन्होंने इस पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। वे सोलापुर दौरे के दौरान पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। जयंत पाटिल ने कहा, शिंदे समूह में गए कुछ लोग मुझसे भी अभी अभी मिले थे। शिंदे अस्थायी रूप से समूह में गए हैं। शिंदे सत्ता में है, जब तक शिंदे मुख्यमंत्री है लोग वहां जा रहे हैं क्योंकि उन्हें रियायतें मिल रही है, इसलिए हम वहां गए लोगों के लिए कुछ नहीं कहते। एक कार्यकर्ता ने कहा कि वह 6 महीने के लिए जाता है, फंड लाता और वापस आ जाता है। एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता ने ऐसी अनुमति मांगी, नगर निगम में फंड होना जरूरी है। मैंने कहा कि जाओ और आओ। पिछले कुछ दिनों में कई कार्यकर्ता और नेता ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थामा। घरेलू पार्टियों से इस्तीफा देने के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। इसी को लेकर पत्रकारों ने जयंत पाटिल से सवाल किया। उन्होंने इस पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। वे सोलापुर दौरे के दौरान पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। जयंत पाटिल ने कहा, शिंदे समूह में गए कुछ लोग मुझसे भी अभी अभी मिले थे। शिंदे अस्थायी रूप से समूह में गए हैं। शिंदे सत्ता में है, जब तक शिंदे मुख्यमंत्री है लोग वहां जा रहे हैं क्योंकि उन्हें रियायतें मिल रही है, इसलिए हम वहां गए लोगों के लिए कुछ नहीं कहते। एक कार्यकर्ता ने कहा कि वह 6 महीने के लिए जाता है, फंड लाता और वापस आ जाता है। एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता ने ऐसी अनुमति मांगी, नगर निगम में फंड होना जरूरी है। मैंने कहा कि जाओ और आओ।